को ये बात मानना होगा और कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके लिए कमर कसना होगा। 24 का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को इशू नहीं है, प्रधानमंत्री कभी नहीं इशू होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फतूर है। यहाँ पर एक से एक इंटेलिजेंट लोग हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, न कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है, न कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की क्षमता भी सब में है, इसलिए कोई नहीं है। मोदी जी के पास क्या क्षमता थी? तो नरेंद्र मोदी इतने बड़े प्रधानमंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी गुजरात में कितना साल मुख्यमंत्री रहे और गुजरात के पहले उनके पास क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था जो मोदी जी इतना सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हो गए? उससे ज़्यादा लोगों का अनुभव विपक्ष में लोग पड़े हुए हैं, तो विपक्ष में काहे नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है? ये तो लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि वहाँ पर 100 विपक्ष का उम्मीदवार है, यहाँ तो सिर्फ हम ही हैं, भ्रम पैदा करना चाहते हैं। सपना लेके चल रहे हैं नीतीश जी बिहार और देश के, तो क्या लगता है कि अभी दिल्ली दूर है और संघर्ष लंबा करना पड़ेगा? क्यों लंबा करना पड़ेगा? विपक्षी एकता जिस दिन हो जाएगी उस दिन सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी देश में गंगा जमनी संस्कृति के लोग की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वोटों का बिखराव होता है जिससे दूसरे लोगों को फायदा होता है। जिस दिन विपक्षी एकता हो जाएगी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी कमर कस लेगी, उस दिन सबका दुकान बंद हो जाएगा। 2024 की तैयारी नहीं, 2024 की तो तैयारी हम लोग हमेशा करते रहते हैं। हम लोग तो 2024-2025 हमारी पार्टी तो हर समय हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम करती रहती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की आने वाले 14 अप्रैल को जयंती है, उसके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और महात्मा गांधी, और क्योंकि लोग अम्बेडकर के बारे में भी बोल रहे हैं, वो लोग महात्मा गांधी के बारे में भी बोल रहे हैं, जो महापुरुष हमारे हुए हैं उन सब के बारे में कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी किया जा रहा है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी को मार दिया, उस गोडसे को भी इस देश में पूजने की परंपरा शुरू हो गई है। जिनको हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, जिसको हम बापू कहते हैं, उनको जिन लोगों ने मारा उनको भी पूजने की परंपरा शुरू हो रही है। इसीलिए हम लोग अपने लोगों के बीच में जा करके अपनी बात को कहते हैं कि किस तरह से 16-17 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने महात्मा गांधी और बापू के सपनों को साकार करने का काम किया।